माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास टेंथ के चलते हैं। क्लास टेंथ का नाइन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रयोग और हम उनको दोस्तों ये बोलते हैं, है ना, यूनियन कोण, नियर एलिवेशन एंगल्स, इसमें से हम पोती उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, पी को लंब, एच को कर्ण, बी को आधार, सेंटर पी बाई एच होता है दोस्तों, कोस थीटा को होता है आपका बी बाई एच, टेंट का पी बाई बी, और साइन थीटा और साइन साइन थी 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का √3/2। तो इस तरह से दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेन 30 का टेन 45, टेन 60, कॉस 60 और कॉस 45, कॉस 30, इसको याद करिए। ओके, कुछ बेसिक सवाल हैं। देखिए, कभी भी रूट को नीचे नहीं होना चाहिए, रूट को डायरेक्ट देखिए तो नीचे तो है ना, 1/√3+1, तो इसको मैंने माइनस के मल्टीप्लाई किया और उसी तरह देखिए यहाँ पर लग गया नीचे a+b और -b का होल स्क्वायर। फिर देखिए रूट के अगर अंदर मिलता है तो प्लस करना है तो नहीं करना, क्योंकि अंदर मिला √3 प्लस कर दिया तो 6 2 8 हो गया। इसको देखो अंदर मिल रहा है तो माइनस कर दो, ठीक है। उसी तरह अंदर देखो नहीं मिल रहा है ना, तो इसको माइनस माइनस नहीं करना, अंदर नहीं मिला मल्टीप्लाई में मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, 2 1 2 और 3 3 मिल गया तो 3 आ जाता, 3 2 6, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों देखो डिवाइड में भी इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो √3 आ गया, √3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा क्योंकि √2 मिला तो 6 2 8 हो गया। देखो दोस्तों इसी तरह √3 मिल रहा है तो क्या किया, √3 कैसे लिख दिया ऊपर का 8 + 6 16 24 हो गया, √3 हटाने करके मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा √3 तो 20।